हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हूँ फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। देखो, मैं आपको बता दूँ, सारे डिफरेंसेस ना, मैक्सिमम डिफरेंसेस जो है, जो अमित डिमरी क्लासेस के नाम से जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें प्लेलिस्ट में मैक्सिमम तरह के डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, जो आपके 11th से लेकर के 12th, BA, BCom और MCom लेवल में पूछे जाते हैं, उस टाइप डिफरेंस वहाँ मिल जाएंगे। और ये आगे लगातार धीरे 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 डिफरेंसेस वहाँ डलते चले जाएंगे, ताकि हर किसी को ना एक ही जगह सारे डिफरेंस मिल जाए। डिफरेंस करने का फायदा ये होता है, एक तो इजिली समझ में आया था, देखो डिफरेंस है ना, वो टॉपिक जो होता है ना समझ में आया था, तो एक तो डिफरेंस का बेनिफिट ये होता है, दूसरा अगर पेपर में डिफरेंस डायरेक्टली पूछा जाए तो कोई भी उसे अटेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर वो अलग अलग तरह से, यानी अगर मान लो बोलता है कि इस मुझे तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बताओ, थोड़ा सा नोट दो छोटा सा, या 5 नंबर में जो भी बोलता है, तो आप अलग से लिख सकते हो। फिजिकल कैपिटल कहेगा तो उसके ऊपर लिख सकते हो, या मैंने जो भी अदर टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें भी अगर वो 5 5 नंबर में बोल सकता है, तो आप उसे आराम से 5 या वो 3 में ही पूछे, ठीक है, उसे वो मैटर नहीं कर। मैटर क्या है कि आपको पता होगा, तो डिफरेंसेस क्या होता है, काफी आसान कर देता है किसी चीज को याद करने का तरीका। डन। और एमकॉम लेवल पे तो खासकर मैंने डिफरेंसेस डाले हुए हैं, क्योंकि कई बार एमकॉम लेवल पे तो मैक्सिमम डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हम फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, और ध्यान से देखोगे तो डेफिनेशन मैंने सबसे लास्ट में लिखी हुई है। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे, बट उससे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा नेचर, ठीक है, सॉरी ये 2 पॉइंट पढ़ाऊंगा, नेचर और ऑनरशिप, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो देखते हैं फटाफट। देखो, नेचर की अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल में, तो इट इज टेंजिबल इन नेचर। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, इट इज टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, यानी छू सकते हो, ठीक है, वो आपका टेंजिबल होता है। जैसे अगर मैं बोर्ड की बात करूं, मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखो, तो ये टेंजिबल इन नेचर है। बट अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं, तो वो इनटेंजिबल इन नेचर होता है। क्या होता है? इनटेंजिबल इन नेचर होता है, इसको आप देख नहीं सकते। बात समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि ये किसी के अंदर वो एक तरी एक मतलब एक बोलो एक तरह से, तो एक ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है ना, एक ऐसी स्किल होती है जो उसके अंदर छुपी भी रहती है, तो उसको आप देख नहीं सकते, तो ये इनटेंजिबल इन नेचर है। दोबारा देखो, टेंजिबल इन नेचर, इनटेंजिबल इन नेचर। अब ये टेंजिबल है तो उसने बोला इस बोर्ड को क्या मैं आसानी से बेच सकता हूं, तो हाँ, कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। यानी फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल है जो कि टेंजिबल इन नेचर होती है, नंबर वन, और नंबर दो कि इसको आप इजिली मार्केट में सोल्ड कर सकते हो, जैसे आप किसी अदर कमोडिटी को करते हो, चाहे किसी कमोडिटी मतलब गुड्स, यानी किसी भी गुड्स को आप मार्केट में सोल्ड करते हो, तो वैसे ही आप इस फिजिकल कैपिटल को मार्केट में सोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो उसने बोला इट इज इंटेंजिबल नेचर, और पहले यहां से पढ़ो, इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, इसको मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते। मगर अभी इस पॉइंट को रोक रहे हैं, यहाँ पे देखो, इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब यहाँ पे आओ, क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि ये बिल्ट होता है इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर। यानी अगर आप हो, आपके अंदर कोई स्किल है, तो वो आपके अंदर है ना, उसको निकाल के थोड़ी ना बेच सकता हूं मैं। तो उसने बोला ये उनकी बॉडी के अंदर खुद ही डेवलप होता है, यानी उसकी ट्रेनिंग या एजुकेशन के थ्रू ये डेवलप होता है, ठीक है, उसके माइंड में डेवलप होता है, किसके जो उस बॉडी का ओनर है, जो उस शरीर का ओनर है, तो उस बंदे के बॉडी और माइंड में ये बिल्ट अपने खुद बनता है, ठीक है, उसकी जो भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग इसके थ्रू ये बनती है, स्किल या अंदर अंदर कोई एबिलिटी होती है, और इसको आप सोल्ड नहीं कर सकते, बट इसकी सर्विसेज आप सोल्ड कर सकते हो, यानी उससे काम निकलवा सकते हो, उसकी सर्विसेज आप सोल्ड कर सकते हो। तो फटाफट से देखो, टेंजिबल इन नेचर, इसको आप इजिली सोल्ड कर सकते हो लाइक एनी अदर कमोडिटी, जैसे आप अदर गुड्स को बेचते हो वैसे इसको आप बेच सकते हो। बट अगर हम इसकी बात करें, ये इनटेंजिबल इन नेचर है, इसको आप मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते, इसकी सर्विसेज आप सोल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्ड होती है कहाँ, बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ऑनर, यानी ऑनर के ये आप खुद की बॉडी माइंड में ही अपने आप बिल्ड होता है। क्लियर होगा पहला पॉइंट, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ऊपर रखा है। नंबर दो, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये तो सेपरेबल है, किससे सेपरेबल है, ओनर से सेपरेबल है, यानी जो उसका मालिक है उससे ये सेपरेबल, अलग है, कमोडिटी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है ना, तो ये सेपरेबल है, बट ये तो खुद की बॉडी के अंदर होता है, तो ये इनसेपरेबल होता है। क्या होता है? इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। क्लियर हो गया दो पॉइंट। अब आ जाते हैं इधर, डेफिनेशन क्या कह रही थी इसका मतलब, डेफिनेशन का मतलब होता है कि फिजिकल कैपिटल कहती है इट रेफर्स टू दोज इनपुट, ये उन इनपुट की बात कर रहा है विच आर रिक्वायर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, या फिर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, यानी कोई भी चीज, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, और जो प्रोडक्शन में आपका फायदा मतलब काम काम निकलवा रही है, काम दे रही है,
उसको आपने क्या बोला, उन सभी इनपुट को आपने क्या बोला, फिजिकल कैपिटल बोला, यानी ऐसी कैपिटल जो कि प्रोडक्शन के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है ना, और टेंजिबल इन नेचर है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टॉक ऑफ स्किल की बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, जो कि नेशन के पास है, यानी किसी राष्ट्र के पास है, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय की किसी निश्चित बिंदु पे, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या किसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर नेशन के पास जो भी स्टॉक ऑफ स्किल है, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में लोगों के अंदर जो है स्टॉक ऑफ स्किल है, एक्सपर्टीज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। देन बेनिफिट क्या करूं, तो तुम्हारा गुड्स है तो तुम्हें क्या देगा, वो प्राइवेट बेनिफिट देगा, तो ये सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है, बट ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट खुद के लिए तो करेगा करेगा, साथ में सोशल बेनिफिट में भी आपका क्या देता है, हेल्पफुल होता है, तो ये सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट दोनों क्रिएट करता है, बट ये सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। लास्ट पॉइंट मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी का मतलब परिवर्तनशील, यानी जिसमें चेंजेस कर सकते हैं फटाफट से, तो उसने बोला इसको तुम उठा के कहीं भी पटक सकते हो, तो इट इज मोर मोबाइल, इट इज मोर मोबाइल, मतलब ये बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, इसको उठा के कहीं भी पटका जा सकता है बिटवीन कंट्रीज, मोर मोबाइल। बट ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं होता, ये लेस मोबाइल होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको नहीं बेच सकते, सिर्फ इसके सर्विसेज बेच सकते हो, इसलिए ये क्या बोला इसने, ये लेस मोबाइल होता है, इसमें जो परिवर्तन जो होता है, जो चेंजेस है, यानी दस उधर ट्रांसफर करना होता है, कुछ करना, तो ये लेस मोबाइल होता है, बट ये क्या गुड्स फॉर्म में इसको मोर मोबाइल, यानी किसको आसानी से उधर पटका जा सकता है, ठीक है। तो हमने फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल पढ़ लिया, फटाफट से इसके बाद देखो एक बार, फटाफट से 1 मिनट के अंदर रिविजन मारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कैपिटल जो होती है वो टेंजिबल इन नेचर है, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल इन नेचर है, इसको आप इजीली सोल्ड कर सकते हो, उसको आप इजीली सोल्ड नहीं कर सकते, वो खुद की ऑनर की बॉडी और माइंड के अंदर बिल्ट होती है, इस बट इसकी सर्विसेज आप सोल्ड कर सकते हो, उसकी सर्विसेज आप सोल्ड कर सकते हो। उसके बाद हम अगर बात करें ऑनरशिप की, तो ये सेपरेबल है, ऑनर अलग है, गुड्स अलग है, बट यहाँ आपका क्या है, इनसेपरेबल होता है, सेपरेबल नहीं है, ये प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है, ये प्राइवेट पब्लिक दोनों, यानी सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट करता है, ये मोर मोबाइल है, इसको आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये लेस मोबाइल होता है बिटवीन कंट्रीज, ये उन सभी इनपुट की बात कर रहा है जो कि प्रोडक्शन आपके काम आ रही है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, जिसको आप देख और टच कर सकते हो। और उसने बोला ये वो स्टॉक ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज की बात कर रहा है जो कि नेशन के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इलावा जो 12th के बच्चे हैं वो तो खासकर इसको पढ़ लें, ठीक है ना, तो उसमें पूछा जा सकता है। और मिलते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।